इस दुनिया में ऐसी कई रहस्यमयी घटनाएं घटती रहती हैं जिनका जवाब हमें आज तक नहीं मिल पाया है। ऐसी ही कुछ रहस्यमयी तस्वीर मैं आपके लिए लेकर आया हूं, तो इस वीडियो को अंत तक देखें। 10वें नंबर पर हमारे पास है द हैंड। ये तस्वीर 20th century में खींची गई थी। इस तस्वीर को ध्यान से देखें तो एक रहस्यमयी हाथ आपको हवा में तैरता दिख सकता है, क्वीन एनी के ड्रेसर पर। नंबर 9 पे है हमारे पास घोस्ट ऑफ न्यूबाय चर्च। इस तस्वीर को रेनर्ड लॉर्ड ने ईयर 1963 में खींचा था। उनका ये कहना था कि इस तस्वीर को खींचते वक्त ये बिल्कुल नॉर्मल थी, लेकिन जब इसे कैमरे से कागज़ पर उतारा गया तो बड़ी ही अजीब तरीके से इस पर यह परछाई बनी सामने आई। नंबर 8 पर है सील टैंक। क्या आप किसी ऐसी जगह पहुंच सकते हैं जहां जाने के सारे रास्ते बंद हो, जैसे कोई सील बॉक्स? नहीं ना, लेकिन ये तस्वीर इस बात का प्रूफ है कि ऐसा हुआ है। इसे सीसिल होटल के एलिवेटर के कैमरे से कैप्चर किया गया है। ये कनेडियन स्टूडेंट 2 हफ्ते बाद इसी होटल की छत पे लगे वाटर टैंक में मृत पाई गई, और आपको जानकर हैरानी होगी कि वो टैंक पूरी तरह से सील्ड था और 13 फीट ऊंचा भी था। तो आखिर ये वहाँ पहुँची कैसे? नंबर 7 पर है वैली ऑफ डेथ। आपने लोगों को ये दावा करते ज़रूर सुना होगा कि वो अपने दिमाग की शक्तियों से चीज़ों को हिला सकते हैं, लेकिन क्या कहीं ऐसा सुना है कि कोई बेजुबान वस्तु अपने आप एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाए? ये तस्वीर कैलिफोर्निया के वैली ऑफ डेथ की है। ये जगह यहाँ होने वाली अजीब सी घटनाओं की वजह से काफ़ी फेमस है। यहाँ के पत्थर अपने आप हिलते हैं और पीछे निशान छोड़ जाते हैं, जैसे किसी ने इन्हें घसीटा हो। नंबर 6 पे हमारे पास है द हैंगिंग बॉडी। सोचिए, आपने बड़ी शिद्दत से एक नया घर खरीदा, लेकिन वहाँ कुछ अजीब चीज़ें होने लग जाए तो आप क्या करेंगे? जी हाँ, कुछ ऐसा ही हुआ था द कूपर फैमिली के साथ। टेक्सास में जब वो अपने नए घर में शिफ्ट हुए तो सबकी तरह वो अपनी फैमिली फ़ोटो लेना चाहते थे, लेकिन किसे पता था कि उस घर में 4 नहीं बल्कि 5 लोग मौजूद थे। ये आप इस तस्वीर में बिल्कुल साफ देख सकते हैं। फैमिली का कहना था जब ये फ़ोटो ली गई थी उस टाइम वहाँ ऐसा कुछ नहीं था, पर जब फ़ोटो को डेवलप करवाया गया वो ऐसी निकल के आई। नंबर 5 पर है द ह्यूज ममीफाइड फिंगर। हमारे लोक कथाओं में ऐसे कई दानवों का उल्लेख है जो हम इंसानों से काफ़ी बड़े थे, लेकिन इसका कोई सबूत नहीं था। कुछ ऐसा ही देखा गया है इस तस्वीर में भी। इसे जॉर्ज पूरी ने 1985 में खींचा था अपने एक इजिप्ट ट्रिप के दौरान। ये एक 15 इंच लंबी उंगली है। जी हाँ, ठीक सुना आपने, 15 इंच लंबी, जो कि किसी ऐसे इंसान की हो सकती है जो कम से कम 12 फीट लंबा हो। इसकी एक्सप्लेनेशन आज तक नहीं मिल पाई है। नंबर 4 पर है हमारे पास सिगार शेप्ड UFOs, एलियंस UFOs, यानी अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट। आपने इन सब के बारे में तो सुना ही होगा। ऐसा ही कुछ देखने का दावा करते हैं कनाडा के मनीतोबा में रहने वाले स्टीफन मिशाल। उनका कहना है कि 20 मई 1967 को वो फैल्कन लेक के पास के जंगल में थे और 2 शिकार जैसे UFOs उनके पास आकर लैंड हुए। जब उनमें से एक का दरवाज़ा खुला तो उन्होंने अंदर बैठे जीव से बात करने की कोशिश की। जानता हूँ इस पर भरोसा करना बहुत मुश्किल है, लेकिन ये तस्वीर एक तरह से उस घटना का प्रमाण है। स्टीफन को सिर्फ तेज़ रोशनी दिख रही थी और उनका कहना है कि एकदम से एयरक्राफ्ट बंद हुआ और आसमान की तरफ उड़ने लगा, और उसके एक हिस्से से इतनी गर्म हवा निकली
कि स्टीफन की शर्ट बिल्कुल जल सी गई। हॉस्पिटल में डॉक्टर्स भी ये जलने के पैटर्न्स देखकर हैरान से रह गए थे, जैसा आप इन पिक्चर्स में देख सकते हैं। नंबर 3 पर है हमारे पास डेड मैन इन अ फोटो। ये है फ्रेडी जैक्सन। इनकी मृत्यु एरोप्लेन के प्रोपेलर्स पर काम करते वक्त हुई। इस एक्सीडेंट के 2 दिन बाद उनके स्क्वाड ने ग्रुप फोटो ली। जब उस फोटो को बनाया गया तो उसमें बड़े ही रहस्यमयी तरीके से फ्रेडी जैक्सन नज़र आए। इस बात का दावा क्रू के हर मेंबर ने किया और ये भी माना कि ग्रुप फोटो और जैक्सन का फ्यूनरल दोनों एक ही दिन थे। नंबर 2 पर है हमारे पास द मिस्टीरियस लाइट्स। ये तस्वीर है फीनिक्स के एरिजोना की। 13 मार्च 1997 को वहाँ के लोगों का कहना है कि ऐसी लाइट्स की रोशनी आसमान में घंटों तक दिखी थी। एयरफोर्स ने कहा ये लाइट्स ट्रेनिंग एक्सरसाइज से होने वाले फ्लेयर्स की वजह से है, लेकिन अजीब ये है कि उसके बाद इन्हें वापस से देखा गया ईयर 2007 और 2008 में, और तब यहाँ कोई ट्रेनिंग एक्सरसाइज नहीं हो रही थी। आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको क्या लगता है इसके बारे में। नंबर 1 पर है हमारे पास द गोस्ट ऑफ अ हीलर। 1975 डायना और पीटर बर्थलॉट यूके नॉरफोक के वो स्ट्रीट चर्च में जाते थे। पीटर ने एक दिन अपनी वाइफ की तस्वीर क्लिक करी जिसमें वो प्रे कर रही थी। जब उस तस्वीर को कागज पर उतारा तो देखा कि उनके पीछे एक घोस्टली इमेज बन गई है। इसका पता लगाने जब वो वापस चर्च में गए तो वहाँ के लोकल से पता चला कि ये द घोस्ट ऑफ अ हीलर है जो सदियों से इस चर्च को हॉन्ट कर रही है। सो गाइज, अगर आपको वीडियो ये पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि हर हफ्ते हम ऐसे ही कुछ फैक्ट्स निकालते हैं अपने चैनल पर।